दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के पस मंजर में सोशल मीडिया पर आ रही बयान रिपोर्ट्स पर इलेक्शन कमीशन और मीडिया के खिलाफ सख्त बयान दिया है। सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा, झांसी, मेरठ, गाजीपुर, चंदौली और सारण हर जगह वोटों की गिनती मराकज पर मशीनें बदली जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन और नाम नहाद मीडिया मोदी के सामने झुके हुए आंखों पर पट्टी बांधे घुटनों के बल बैठा है। अवाम ने मोदी के खिलाफ वोट दिया है, उसे मीडिया और इलेक्शन कमीशन मिलकर तब्दील कर रहे हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा, फगवाड़ा में प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम पहुंची, वोटों की गिनती मराकज। इंतखाबात के दो दिन बाद इलेक्शन कमीशन और मीडिया आज खामोश है। इन मशीनों से मोदी इंतखाबात जीत जाएंगे और फिर हर बार की तरह खुद को सहाफी कहने वाले लोग कहेंगे, हारे हुए लोग ईवीएम का बहाना बना रहे हैं।